नमस्कार फोकस पॉइंट सह मु लक्ष्मी नारायण। गाजा स्ट्रीप रे इजराइल रो जोरदार आक्रमण जारी। जवालिया रे थिबा गाजार सबुठू बड़ शरणार्थी शिविर को रॉकेट और बोमा मारे उड़ाई देछि इजराइल डिफेंस फोर्स। एथिरे अति कम रे 50 लोकों मृत्यु होइछि। मृतकों मध्ये हमास रो जने कमांडर थिबा दाबी करिछि इजराइल। सेपटे अलजजीरा जने ब्रॉडकास्ट इंजीनियर तांका परिवार रो 19 जन सदस्य को हराइछन्ते। शरणार्थी शिविर उपरे आक्रमण को विभिन्न मानवाधिकार संगठन तीव्र निंदा करथिबा बेले आहत और विदेशी नागरिकों पर राफा सीमांत खोली इजिप्ट। से आसंता शुक्रवार पूरी इजराइल गस्तर जाउछंती अमेरिका वैदेशिक सचिव आंटोनी ब्लिंकेन। भंगा कोठा तड़ु खोजा चली जीवन काड़े किए बंची जाई थिबो, काड़े किए सुकुसुकु हेउथुबो, तांकु खोजा चली। मृतदेह भी बाहर करा जाउछि, एठी खाली गोड़टी दिशुछि। भंगा कोठारे भी चली जीवन खोजा। ए होउछि गाजा जाबालिया शरणार्थी शिविर दृश्य। मंगलवार राति इसराइली सेना एठी करिछि जोरदार आक्रमण। रॉकेट और बोमा माड़े सबकि ध्वस्त विध्वस्त, सबकि माटी मिसी जा। इस्राएल हमास युद्ध को 26 दिन पूर्थिया बेले मंगलवार गाजा जाबालिया सबुठ बड़ शरणार्थी शिविर उपर इस्राएली सेना करी भयंकर आक्रमण। आईडीएफ कहि 47 जन मृत्यु हो जो मानक मध्यरे हमास कमांडर इब्राहिम बैरी अछंती। इब्राहिम अक्टोबर 7 आक्रमण अन्यतम मास्टरमाइंड बोली कहिछि आईडीएफ। पालेस्टाइन किंतु कहुछि 50 रु अधिक लोकंक मृत्यु होइछि। जाबालिया शरणार्थी शिविर रे अलजजीरा गाजा ब्यूरोर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद अबू अल कुमसान को परिवार 19 जन सदस्य मृत्यु होइछि। संपृक्त ब्रॉडकास्ट इंजीनियर तांको बापा भाई दुई भौणी 8 जन पुतरा झियारी एवं अन्य किछि संपर्कियों को हराइछंती। किछि दिन तले इस्राएल एयर स्ट्राइक रे अलजजीरार गाजा करेस्पोंडेंट तांको स्त्री पुओ झियो ओ नाती को हराइथिले। आकाशरु रॉकेट ओ बोमा वर्षण, पुणी ग्राउंड रु मध्य आक्रमण जोरदार। एमाने होछंती इस्राएली सेनार जवान। टैंक आगो को माड़ी चलता बेले आईडीएफ जवान माने मध्य माड़ी चलती। मुंडरे हेडलाइट, हाथरे बंदूक, सुणंगरु सुणंग बुली देखुछंती केउठी हमास सदस्य लुची रहिछंती कि। अक्टोबर 7 रे दक्षिण इस्राएल रे हमास रो अतर्कित आक्रमण परठारु रक्तमुखा हो जाइछि इस्राएली सेना। दिन नाही राति नाही गाजा स्ट्रिप उपरे करी चली घन घन आक्रमण। 26 दिन युद्ध रे गाजारे मृत्यु संख्या 8,500 टपिला। आउ सबुठारु दुखर कथा हेउछि मृतकों मध्य 3,542 जन छोट पिला थिया बेले 2,187 जन महिला। इस्राएल कहुछि हमास को करुछि टार्गेट, हेले प्राण हराउछंती साधारण जनता, निष्पाप शिशु, निरीह महिला। युद्ध बंद करने को विभिन्न देश निवेदन कर चालछंती। जातिसंघ साधारण अधिवेशन रे मध्य सेने प्रस्ताव पारित होइछि, किंतु इस्राएल सेथिप्रति कर्णपात करुनी। युद्ध विरति को संपूर्ण खंडन करथिबा इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को निरस्त्र और निपात करने को देछंती बड़ा आह्वान। आउ जहाँ ग्राउंड जीरो रे करी देखाउछि आईडीएफ। गाजा सीमारे रही निजे रणनीति प्रस्तुत करछंती इस्राएल सेना मुख्य। लेबनान रो हेजबुला संगठन उपरे मध्य आक्रमण करिछे इस्राएली सेना। गाजा उपरे इस्राएल एभड़ी आक्रमण को तीव्र निंदा करिछंती विभिन्न मानवाधिकार संगठन। अक्टोबर 7 परठारु राफा सीमांत को खोलिबाकु राजी नथिबा इजिप्ट शेषरे ताहा खोलिछि। डबल पासपोर्ट धारी विदेशी नागरिक एवं गाजार आहत लोकों पर राफा सीमांत खोली इजिप्ट।
चिकित्सा पाई अनेक आहत प्रथम थर पर गाजा छाड़ी इजिप्ट जाई। युद्ध आरंभ इस्राएल को समर्थन कर चली अमेरिका, सामरिक सहायता भी जोगाई देछि। पुणी जातिसंघ साधारण अधिवेशन रे युद्ध विरोधी विरोध में इस्राएल को करिछि समर्थन। आउ एबे अमेरिका मुहरु सुनिबा को मिलिछि गाजा पाए मानवीय सहायतार कथा। आसंता शुक्रवार पुणी इस्राएल गस्तरे जाउछंती अमेरिका वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन। The elements of this request work together as a package. As you know, the defense industrial base operates in a complex way. It's an interdependent unit. Making these investments together allows us to do what's needed to strengthen the defense industrial base and to seize the benefits and efficiencies that come from making these investments together rather than making them piecemeal. We also know, as you've heard, that increasingly Russia and Iran are working together to challenge our leadership, to hem us in globally, to pose a growing threat to our own security as well as to that of our allies and partners. We have seen no indication, none, that Hamas has gotten their hands on any of the humanitarian assistance that has gone in. None of it. It goes from these UN trucks to humanitarian organizations and the UN for delivery to the people of Gaza. That's what we've seen with every single one of them. And with the fuel that was existing in tanks that they could tap simply went to existing legitimate humanitarian needs. And we will, and we have, tried to make assurances to the Israelis that we will continue to monitor fuel should it go in the same with the same diligence that we have and our UN partners have been monitoring the food and the water and the medicine. Gaza सीमा रे इजराइल रो समर सज्जा सहस टैंक मुतयन करिछि इजराइल। देखंतु ए दृश्य केमिति इजराइल सेना अत्याधुनिक युद्ध टैंक मुतयन करिछि। गाजा सीमा को पूरा घेरी रही सब टैंक। इस्राएल युद्ध प्रस्तुति देखिले अनुमान होउछि जे हमास को संपूर्ण निपात करिया पाई बड़ रणनीति प्रस्तुत करिछि इस्राएल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बदलिब कि युद्धर मोड़ आहुरी भयंकर हेबो इस्राएल हमास युद्ध। इज्राएल हमास युद्ध में एंट्री करिछि येमेन। इज्राएल विरोध में हुती विद्रोही युद्ध घोषणा करिछि। हिजबुल्लाह परे एबे हुती इज्राएल सेना विरोध में आरंभ कर देछि लड़ाई। केवल युद्ध को ओल्हाइनि बरम गाजा उपरे आक्रमण को तुरंत बंद न कले इज्राएल उपरे बालिस्टिक मिसाइल रे अटैक करिवो बोली चेतावनी मध्य देछि। येमेन रा विद्रोही संगठन हुतीर जने अधिकारी इज्राएल विरोध में युद्ध घोषणा करिछन्ते। युद्ध को एंट्री करिबा सहित गत मंगलवार इज्राएल उपरे बालिस्टिक मिसाइल पकाइछि। इज्राएल एवं हमास मध्ये युद्ध 25 दिन हेबो चलिछि। इज्राएल सेना गाजा शहर रे ग्राउंड अटैक करिबा सहित घन घन एयर स्ट्राइक मध्ये करि चलिछि। एथिरे गाजा शहर छारखार होइ जाइछि। गोटिके पटे सुडंग रे मध्ये हमास आतंकवादी को निपात करिबा पई आरंभ करिछि आईडीएफ तर ऑपरेशन। एवं लेबानन रे हमास रे ठिकाना को भी टारगेट करी बोमाड़ करुछि इज्राएल सेना। युद्ध रे हमास व्यतीत लेबानन रो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह होवे इज्राएल विरोध रे लड़ी करि चलिछि। आउ एबे एथिरे एंट्री करिछि येमेन रो चरमपंथी संगठन हुती विद्रोही। येमेन रे प्रधानमंत्री अजीज बिन हबुत्तर कहिछंती जे गाजा रे थिबा येमेन रो लोकंकु मारिबाकु आमे छाड़ी पारिबु नाही। गाजा उपरे आक्रमण रो इज्राएल सेना जदि विरत न रुवे तबे इज्राएल विरोध रे लड़ई हेबो। 2014 रु येमेन राजधानी समेत बहु अंचल को हुती विद्रोही माने कब्जा करी रखिछन्ते। हुती विद्रोही माने टैंक चढ़ाइबा, आंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्षेपण करिबा एवं दूरगामी बालिस्टिक मिसाइल चढ़ाइबारे सिद्ध हस्त। इज्राएल हमास युद्ध को 26 दिन पूरिला। निकट भविष्य में युद्ध बंद होवार संभावना दिशुनी। गाजा उपरे इज्राएल आक्रमण जारी रही बेले हमास जारी रखी प्रति आक्रमण केमिति अछि ग्राउंड जीरो स्थिति आसतु देखा। इज्राएल युद्ध उपरे टेक्निक अपडेट्स देउछन्ते न्यूज 18 प्रतिनिधि नीरज कुमार। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको इज्राइल के हर उस जगह पे जा रहा है जहां से आपको युद्ध से जुड़ी रिपोर्टिंग दिखा सके। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जेरूसलम में, इजराइल की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है।
यहाँ की आबादी 10 लाख के करीब है, लेकिन जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, है तो ये ट्रेन स्टेशन 2018 में बना, लेकिन इसे हम बंकर स्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़े युद्ध की स्थिति में ये बंकर के तौर पे काम करेगा। एक बार आपको ऊपर दिखाते हैं, ये सरफेस का एरिया है, यानी ये लेवल वन इसको कहते हैं यहाँ की भाषा में, और ऊपर आप जाएंगे तो जमीन पे आ जाएंगे। जमीन से ये स्टेशन अंदर तक 80 मीटर तक है, यानी 262 फीट तक। हम चलते हैं लेवल, दिस इज लेवल वन, ये लेवल वन है, हम लोग यहाँ मौजूद है, और यहाँ से आपको नीचे चलते, ऐसे एस्केलेटर आपको अंदर जाने के लिए कई मिलेंगे। कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मजबूती आपको यहाँ से दिख जाएगी। दरअसल इसराइल में जब ट्रांसपोर्ट के लिए इसको बनाया गया तो दिमाग में यह भी रखा गया था कि बड़े युद्ध की स्थिति अगर होती है तो यहाँ हजारों की संख्या में लोगों को शेल्टर भी दिया जा सकता है। यानी बंकर नाम नहीं दिया गया है आधिकारिक तौर पे, लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि बड़े शेल्टर के तौर पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ रह सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी मजबूती से बनाया गया है। अभी हम लोग महज 10 से 15 मीटर अंदर गए, अभी हमें और इस तरह के दो एस्केलेटर को पार करके फिर एक छोटे एस्केलेटर तक पहुंचना है जो कि 80 मीटर ऊपर से गहराई में है, और वहां आपको ट्रेनें मिलेंगी इजराइल के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए। लेवल टू यहां से कहते हैं, जो हमें बताया जा रहा है यहां के जो कर्मी हैं, ट्रेन कर्मी हैं, उनकी तरफ से बताया गया है। और ये दरवाजा देखिए, ये बड़ा गेट, अगर जरूरत पड़े इसको बंद करने की तो ये बंद किया जाएगा, और इस पे कुछ भी मिसाइल भी आप मार दे तो बहुत मुश्किल से ये टूटेगा। किस तरह से मजबूती से बनाया गया है, न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, करम सिंह आपको वो मजबूत दरवाजा दिखा रहे हैं इस ट्रेन स्टेशन का। ऊपर भी दरवाजा मजबूत है, नीचे भी इस तरह के दरवाजे की अगर कई लेवल पे बंद करने की जरूरत पड़े, अगर बहुत आतंकवादी आ जाए या बड़े बम से हमला हो जाए, न्यूक्लियर हमला हो जाए, केमिकल हमला हो जाए, बायोलॉजिकल, तो बंद किया जाए। और यहाँ नीचे चलते हैं, आपको मोटे मोटे दरवाजे दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाया गया। अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां से ट्रेन चलती है, बहुत कुछ लोग दिखेंगे क्योंकि इसराइल में इस वक्त लॉकडाउन जैसी स्थिति है, और लॉकडाउन जैसी स्थिति बहुत कम लोग ट्रेनों में भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 10 लाख की आबादी वाला शहर है, राजधानी है, और जेरूसलम से सटा हुआ है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक से लड़ाई रहती है इसराइल की, और बिल्कुल सटा हुआ है जेरूसलम। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेशन बनाया गया। इस तरह के बुलेट प्रूफ दरवाजे भी हैं, एक तो लोहे के हैं, ये शीशे के हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे हैं, कांच है, वो देख सकते हैं, इनमें गोलियों का असर जो है नहीं होगा। हालांकि नजदीक से अगर मारा जाए तो टूटेगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूट जाएगा और यहां से आतंकवादी बहुत आसानी से निकल जाए। इसे पार करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे ही आप आते हैं तो सेंसर आपको पहचान करके दरवाजा खोल देता है, और यहां से जाने का 1 से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 1, 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म है जिसपे ट्रेन आती है अप एंड डाउन, और 4-2 प्लेटफॉर्म है जिसपे चार प्लेटफॉर्म है जिसपे ट्रेनें आती जाती हैं। लेकिन जाने के लिए किस तरह से सुरक्षित स्थानों से लोगों को गुजरना पड़ता है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको फिर बता दें वेस्ट बैंक के नजदीक है, यानी फिलिस्तीन के नजदीक है, और इसराइल को ये आशंका रहती है, चिंता रहती है कि जेरूसलम पे हमला किया जा सकता है फिलिस्तीन के लोगों की तरफ से, और फिलिस्तीन से ज्यादा हमास के आतंकियों की तरफ से। इसलिए इतनी मजबूती से इस ट्रेन स्टेशन को बनाया गया है, तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया।